What's up everyone? I hope you guys are doing well. जैसा कि आप सबको पता है, मैं push pull leg series का workout अपना आपके साथ share कर रहा हूँ। ये है उस series का third episode। अगर आपने अभी तक first episode और second episode जिसमें मैंने legs workout और push workout share किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, please पहले उसको check out करो। ये है उसका third workout जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ pull workout के बारे में। Pull workout वो होता है जिसमें हमारी सारी पुलिंग मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और बॉडी पार्ट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बैक, बाइसेप और रियर डेल्ट। ये वर्कआउट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जिम में मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है जिनके पास कोई पर्टिकुलर वर्कआउट प्लान नहीं होता, वो जिम में इधर उधर पूछते रहते हैं और इतना उनकी हेल्प नहीं हो पाती। ये वर्कआउट ऐसा है जिसको एक बिगनर भी कर सकता है, न्यूबी कोई भी कर सकता है और एडवांस लिफ्टर भी कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुश पुल लेग्स वर्कआउट्स अपने खुद बनाए हैं, उनको ट्राई किया है, बट ये वाला वर्कआउट लिटरली इसने मेरे को बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। अगर आप भी इसको 4 वीक्स तक ट्राई करोगे तो आपको भी लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। तो आई होप ये वर्कआउट आपको भी हेल्प करे। मैं हर पुल डे स्टार्ट करता हूँ कुछ डायनेमिक स्ट्रेचिंग के साथ जो कि मेरे मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और मैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ फुल पोटेंशियल पे। स्ट्रेचिंग करने की वजह से एक्सरसाइज करते समय मेरे को इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते और मैं सेफली अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकता हूँ। स्ट्रेचिंग कंप्लीट करने के बाद मैं एक रोलर लेता हूँ जिसकी हेल्प से मैं अपने लैट्स को अच्छे से रोल करता हूँ ताकि मैं उन्हें फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकूँ और उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाए। अपने दोनों लैट्स को अच्छे से रोल करने के बाद मैं रोलर को लोअर बैक पर ले जाता हूँ और वहाँ पर भी अच्छे से रोल करता हूँ, लेकिन इसमें एक बोनस टिप ये है कि हमें कभी भी रोलर के ऊपर डायरेक्टली लेट के रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट करता है। उसके बाद मैं जाता हूँ हाइपर एक्सटेंशन मशीन पे जो कि हेल्प करती है मेरे लोअर बैक मसल को स्ट्रेंथन करने में और लोअर बैक इंजरी अवॉइड करने में। इसका प्रोटिप ये रहता है, हमें पूरा नीचे जाना होता है और ऊपर आके 1 सेकंड के लिए हमें होल्ड करना होता है। ये मेरा लास्ट वार्म होता है। इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ मेन सेट की तरफ जो कि होती है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज पुलअप्स। मैंने जिम में काफ़ी देखा है लोग पुलअप्स को अपना प्रॉपर सेट नहीं मानते बल्कि उसे एक वार्म अप मानते हैं, बट मैं पुलअप के पूरे 4 सेट करता हूँ, 1 सेट बॉडी वेट के साथ और बाकी सारे वेटेड पुलअप्स होते हैं। पुलअप एक ऐसी कंपाउंड मूवमेंट है जो कि हमारे बैक के साथ साथ हमारी चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स सबको स्ट्रॉन्ग करती है। पुलअप के हमें टोटल 4 सेट मारने होते हैं। जो पहला सेट मैं लेता हूँ वो बॉडी वेट होता है, बाकी के लिए मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिससे मैं 10 रेपिटेशन आराम से निकाल सकूँ, क्योंकि 4 सेट में मेरे को 10 रेपिटेशन हर सेट में निकालने ही होते हैं। जब मैं जिम ज्वाइन किया था मैं पुलअप का एक भी सेट नहीं ले पाता था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं 4 सेट्स इजीली कर लेता हूँ और हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ पुलअप करने के बाद मेरे को अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं पुलअप करते समय भी रेंज ऑफ मोशन का पूरा ध्यान रखता हूँ, मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ और ऊपर जाते समय बिल्कुल बार से ऊपर अपने चिन को ले जाता हूँ। पुलअप्स के 4 सेट करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी दूसरी एक्सरसाइज में जिसका नाम है 1 आर्म रो डंबल, जिसको परफॉर्म करने के लिए मैं एक नॉर्मल बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन पोजिशन पर करता हूँ। इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी चेस्ट हमेशा आउट एंड चाहिए और बैक में आर्च होना ज़रूरी है और माइंड मसल कनेक्शन के साथ आपको अपने लैट्स को मूव करते हुए फील करना है। इस एक्सरसाइज में आपके बैक के साथ साथ आपके शोल्डर्स, अपर आर्म और कोर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस एक्सरसाइज को आपको इसी पोजिशन में 5 सेट लगाने हैं जिसके रेपिटेशन रहेंगे 20, 15, 12, 10 एंड देन 20। ये एक्सरसाइज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये एक्सरसाइज करते समय बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है क्योंकि जो इसके 5 सेट हैं वो एक हाथ से 5 सेट होते हैं, लेकिन 2 हाथ से मिला दो तो 10 सेट्स हो जाते हैं, जो परफॉर्म करते करते बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। लेकिन इसके बेनिफिट्स देखते हुए मेरे को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ये वाली एक्सरसाइज एक हॉरिजॉन्टल पोजिशन में है। मैं अपना वर्कआउट इस हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ कि एक सेट मैं वर्टिकली करूँ और दूसरा सेट मैं हॉरिजॉन्टली करूँ। उसके बाद बारी आती है हमारी सबकी बैक डे की फेवरेट एक्सरसाइज लैट पुल डाउन की। इस एक्सरसाइज को करने की वजह से हमारी बैक ब्रॉड होती है और पोस्चर सही होता है। इस एक्सरसाइज के भी हमें करने हैं 5 सेट जो होंगे 20, 15, 12, 10 और फिर से 20। ये एक्सरसाइज हमें करनी है प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन और प्रॉपर फॉर्म के साथ, बिल्कुल नीचे ला के और बिल्कुल ऊपर ले जाना, सेम जैसे कि हम पुलअप मारते हैं, पूरा ऊपर ले जाना है हमें बार को और बिल्कुल बार को नीचे लाना है और माइंड मसल कनेक्शन से हमें अपने लैट्स को बर्न होता हुआ फील करना है। लैट पुल डाउन कंप्लीट करने के बाद बारी आती है 4th एक्सरसाइज की जिसका नाम है सीटेड रो क्लोज ग्रिप। इसके हमें 3 रेपिटेशन लगाने हैं 20, 15 और फिर से 20 के। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय मैं केवल मशीन पे हैंडल्स यूज़ करता हूँ क्योंकि हैंडल से मेरे को ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय हमें सीधा बैठना है, चेस्ट को आउट रखना है
और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। काफ़ी लोग मैंने इसमें देखा है अपनी बॉडी को हंच छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय अगर आप मेरी ग्रिप को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, मैं ग्रिप को आगे जाते समय थोड़ा पास आने दे रहा हूँ और पीछे जाते समय थोड़ा खींच रहा हूँ, जिससे मैं लैट्स ज़्यादा इंगेज कर पाता और मेरे को एक बेहतर माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। अगर ये एक्सरसाइज करते समय आपको इंजरी का चांस लग रहा है और आपसे पोजीशन मेंटेन नहीं हो रही, तो आप चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रोज भी कर सकते हो। इससे हमारी चेस्ट को सपोर्ट मिलता है और ये एक्सरसाइज करते समय ज़्यादा बेटर माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। एक प्रो टिप, बैक डे के दिन जितनी भी आपके जिम में मशीन होती है उनको बिल्कुल मत छोड़ा करो, क्योंकि वो ऐसे डिज़ाइन होती हैं ताकि आपको इंजरी भी ना हो और सारा माइंड मसल कनेक्शन आपके बैक पे ही आए। इसके बाद बारी आती है स्ट्रेट आर्म रो की, जिसको मैं करता हूँ एक रोप की मदद से, क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा बेहतर माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट लगाने हैं, जिसके रेपिटेशन होंगे 20, 20, 20 और एक 15। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपको अपने बैक में ज़्यादा आर्च नहीं बनानी और ऐसा फील करना है जैसे आप एल्बोस को अपने थाइस की तरफ ले जा रहे हो, जिससे आपको आपके लैट्स बिल्कुल इंगेज होते हुए फील होंगे। और फिर भी अगर आपको आपके लैट्स इंगेज होते हुए फील नहीं हो रहे, तो एक प्रो टिप, ऐसा आपको फील करना है जैसे कि आप अपने आर्मपिट्स के नीचे ऑरेंज स्क्वीज कर रहे हो, उससे आपको बिल्कुल आपके लैट्स इंगेज होते हुए फील होंगे इस एक्सरसाइज के बाद। और इस एक्सरसाइज में ईगो लिफ्टिंग के लिए बिल्कुल भी रूम नहीं है, अगर आप ईगो लिफ्टिंग करोगे तो आपके लैट्स कभी भी इंगेज होते हुए फील नहीं होंगे। इस एक्सरसाइज के बाद बारी आती है रेड डेल्ट साइज की, जो कि हमारे रेड डेल्ट्स को टारगेट करते हैं। जो लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं वो लोग इसको शोल्डर के दिन करते हैं, बट ये एक पुल मूवमेंट है। इसको करने के लिए मैं सीट को 3 नंबर पे करता हूँ और इसमें वेट में बहुत ज़्यादा लाइट लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें वेट थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ तो मेरा माइंड मसल कनेक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोग जिम में इस एक्सरसाइज को स्ट्रेट आर्म्स में करते हैं, लेकिन आपको एल्बोज को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अब किए हैं। इससे पूरा कॉन्ट्रैक्शन हमारे रेड डेल्ट्स में आता है। मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय सीट को इतना ऊपर रखता हूँ ताकि मेरा हेड इस रॉड पे टच हो। टच क्या, बल्कि मैं उसका पूरा वेट लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है और वेट बिल्कुल मेरे रेड डेल्ट्स ही उठा रहे होते हैं। 1% भी मेरा ये वेट कहीं पर और नहीं आता। हेड को इस रॉड पे लीन करने की वजह से, मेरे शोल्डर्स को एलिवेट करने की वजह से, मैंने जितना भी वेट चुना है वो सारा मेरे रेड डेल्ट्स ही लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ ख़त्म होती है हमारी आज की सारी बैक एक्सरसाइज। अब स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से बाइसेप एक्सरसाइज। बाइसेप एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ बारबेल बाइसेप कर्ल, जिसकी रेपिटेशन रहती है 20, 15, 12 और 10। इस एक्सरसाइज में मेरे बाइसेप बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि बैक मूवमेंट्स में सारे बाइसेप ऑलरेडी सोर होने स्टार्ट हो गए होते हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद मैं लेता हूँ इंक्लाइन बेंच पे बाइसेप कर्ल, जो कि एक सुपर सेट होता है प्रोन इंक्लाइन डबल कर्ल्स के साथ। इन दोनों एक्सरसाइज का मैं एक सुपर सेट लेता हूँ। दोनों एक्सरसाइज में मैं 4-4 रेपिटेशन लेता हूँ और टिल फेलियर जाता हूँ। अगर आपने ये ट्राई कर लिया, आप अपने आर्म्स को लिटरली फील भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैक डे की एक्सरसाइज में बाइसेप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये दो एक्सरसाइज करने के बाद आपको बाइसेप में अलग ही पंप फील होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी आर्म्स बिल्कुल लॉक हो जाते हैं और आप बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकते। आपको सारे रेपिटेशन सेल्फ निकालने पड़ेंगे और पूरे बाइसेप इन्वॉल्व होंगे आपके। बाइसेप की एक्सरसाइज के लिए मैं लेता हूँ ये 3 एक्सरसाइज, जिसके टोटल सेट्स मिला दो तो हो जाते हैं 12। और पुल डे एक बार हफ्ते में फिर से आता है, तो उस दिन भी बाइसेप की एक्सरसाइज जो आती है 12, तो टोटल पूरे हफ्ते में लग जाते हैं 24 सेट्स, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ हैं, क्योंकि बैक डे के दिन भी बाइसेप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिएक्शंस का। जब आप ये सुपर सेट ट्राई करोगे, आप अपने बाइसेप में पंप अलग ही फील करोगे। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का पुल डे। इसके साथ आपको करना पड़ेगा कूल डाउन के लिए थोड़ी बहुत वॉकिंग, जो कि मैं घर जाते समय रस्ते में कर लेता हूँ, और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, जो कि आपको इंजरीज होने से अवॉइड करेगी। जब आप ये पुश पुल लेग सीरीज फॉलो करोगे और आपको कहीं पे डाउट आता है, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो इसी के साथ हमारा पुल वर्कआउट खत्म होता है और इसी के साथ हमारा पुश पुल लेग सीरीज का फाइनल वर्कआउट भी खत्म होता है। जो मैंने पूरी आपको स्प्लिट बताई लेग्स पुश पुल, जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को खत्म हो जाएगी, तो थर्सडे को आपको फिर से वापस लेग डे लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से आप हर बॉडी पार्ट को 2 बार एटलीस्ट ट्रेन करोगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट होंगे। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी पुश पुल लेग सीरीज का सारा एपिसोड। ये था हमारा पुल वर्कआउट।
आप इस पूरे वर्कआउट को सिर्फ 4 वीक के लिए फॉलो करो, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे पुश पुल वर्कआउट खुद ही बनाए हैं और ट्राई किए हैं, बट इसके साथ मेरे साथ साथ और मेरा जो जिम पार्टनर है उसको भी इसके साथ बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं, आपको भी इसके साथ बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं इसमें, बट लिटरली ट्रस्ट मी, अगर आप ये वर्कआउट करोगे आपको अलग ही रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पुश पुल एक्सरसाइज के वर्कआउट, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट।